नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। लालू यादव के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी दिनों से ये सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव के हेल्थ के बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनसे लोग मुलाकात जो करते थे, शनिवार के दिन इजाज़त थी कि तीन लोग मिल सकते थे उनसे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ें भी रोक दी गई। आज काफ़ी दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव का हेल्थ अपडेट आया है। रिम्स में डॉक्टर है, डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने बताया है लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है। ज़रा सुनिए उमेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी की तबीयत सामान्य है, खान पान भी उनका ठीक है और अभी तो कमरे से बाहर निकल के बैठते भी हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग तो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मिलने वाले तो मनाही है कोविड के चलते, लेकिन खाना पीना में देख रहा हूँ कि ठीक ही खा रहे हैं, शुगर बीपी सब कंट्रोल में है। बाहर निकल के बैठते हैं और वहाँ जो उनके साथ तो लगता है शायद सिपाही पाई रहते हैं, उनसे भी कुछ बात विचार करते ही हैं। वैसा तो देखने में वैसा गड़बड़ नहीं है। आप लोग से कोई बात विचार सर, कुछ मन का बात? हमसे राय विचार वही होती है, तो हमसे तो डॉक्टर ही बात होती है ज़्यादातर, वो कोरोना के बारे में पूछते हैं और अपने किडनी के बारे में और डॉक्टर साहब शुगर कब कंट्रोल होगा, ये होगा, इसी को ज़्यादा उनका हमसे तो है कि तार्किक वही रहता है, तर्क करते हैं कि किडनी कैसे खराब होता है, कैसे कितना खराब है, ये ब्लड रिपोर्ट हम लोग कराए थे उसके बारे में बात कर रहे थे कि पहले से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, कितना सुधार हुआ है, और जनरल कोरोना के बारे में इसमें क्या बढ़ रहा है, कब तक कंट्रोल होगा, क्या होगा, कोरोना के लिए क्यों भी चिंतित रहते हैं। हाँ, कोरोना के लिए कि हमको लगता है कि आम आदमी नागरिक की तरफ वो बहुत चिंतित रहते हैं। जब भी जाता हूँ तो अगर पांच सवाल हमसे करते हैं तो दो सवाल उसका कोरोना में बड़े जरूर होते हैं कि कितना दिन में कंट्रोल हो जाएगा, आप लोग कितना पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहा है घट रहा है, सिचुएशन क्या है, हमेशा पूछते हैं। बिहार में इलेक्शन भी आने वाला, तो इस विषय में भी कुछ थोड़ी बात उससे कभी कोई बात बोले हो तो वैसा नहीं है, लेकिन उनसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती है ना, वो हमसे करते हैं तो लगता है कि हम लोग को समझते हैं कि लोग अपरिपक्व हैं पॉलिटिकली, इसलिए इनसे बात करना उचित नहीं है। हमसे ज़्यादातर मेडिकल में ही बात करते हैं, मेडिकल लाइन में। सर, चाइना में जो चाइना वाला मुद्दे पे भी कुछ बात वगैरह, कुछ मन का बात बताते हैं क्या? समाचार देखते रहते हैं, वो तो हमेशा टीवी पे ही रहते हैं, जब कमरे में रहते हैं तो टीवी पे ही रहते हैं, लेकिन वैसा कोई डिस्कशन नहीं करते। हम लोग तो हो सकता है कि शायद परहेज करते हैं, क्योंकि हम लोग से हमेशा मेडिकल के बारे में, कोरोना के बारे में बात करते हैं या अपने बीमारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप भूल रहे कि नहीं देख लीजिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। तो जैसा कि आपने डॉक्टर उमेश प्रसाद की बातें सुनी, उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बीपी से लेकर शुगर तक हर कुछ सामान्य है, लेकिन इन दिनों लालू प्रसाद यादव सवाल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग उनसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद यादव थोड़े अकेले हो गए हैं, सवाल ज़्यादा करते हैं, अपने पेइंग वार्ड से बाहर वो बैठे रहते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।